एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर वधु के कुंडली का मिलान। वर वधु कुंडली का मिलान का अर्थ यह हुआ कि हमें दोनों की कुंडली में उनके दोनों की आयु, उनका संतान योग, उनका स्वास्थ्य, उनका धन आदि के बारे में जानकारी हमें लेना होती है। इसलिए हमें कुंडली में मिलान के में गुण मिलान, मांगलिक मिलान भी जरूरी है, मांगलिक मिलान भी होना बहुत जरूरी है। इस तरह हम कुंडली में देखें कि अगर उपयुक्त चीजें वैवाहिक जीवन को सुखी बनाती तो उनका ये भी देखना है कि पारिवारिक कैसा संबंध रहेगा, उनका संतान कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आयु कैसा रहेगा। ये सब देखने के लिए कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को भी देखा जाता है। साथ साथ अब हम एक के बाद एक जानकारी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए आपको लग्न भाव का विचार दोनों का करना चाहिए। दोनों के लग्न भाव, लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, छठा भाव छठे भाव का स्वामी तथा चंद्रमा जो मन का मस्तिष्क का कारक है, इनका विचार करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि लग्न भाव पर पाप प्रभाव ना हो, छठे भाव में पाप प्रभाव ना हो, लग्नेश और छठे भाव के स्वामी केन त्रिकोण में हो तो इसका प्रभाव अच्छा रहता है। इसलिए दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लग्न का बलि होना बहुत जरूरी है। लग्न अशुभ राशि में नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए और उसमें पाप प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से लग्न वो बलवान हो जाता है और लग्न को बलवान करने के लिए लग्न के रत्न आदि भी पहन सकते हैं, उक्त रत्न पहन सकते हैं। इस तरह दोनों की कुंडली में हमने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। अब हम जाएंगे दूसरा ये चीज जो है आयु की रहती है। दोनों के वैवाहिक जीवन में आयु नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, इसलिए हम आयु का विचार करने के लिए वर वधु की लिए अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव में अगर अष्टम भाव का स्वामी शुभ होगा और वो पाप प्रभाव में नहीं होगा तो उस जातक की आयु अच्छी रहेगी। इसका मतलब वह कि अष्टम भाव में पापी ग्रहों का युति संबंध या उनकी दृष्टि नहीं होना चाहिए और उसका अष्टम भाव का स्वामी भी शुभ प्रभाव में होगा तो जातक की आयु अच्छी रहती है। इसके बाद में हम संतान के बारे में बात करेंगे। दोनों की कुंडली में हम देखेंगे कि संतान का योग कैसा है। संतान योग अच्छा होने के लिए यह जानने की कोशिश करें कि संतान भाव का जो कारक है गुरु है तथा पांचवा भाव है, पांचों भाव का मालिक या स्वामी जिसको बोलते हैं वो है, इन सब को हमें देखना होगा। पंचम भाव पंचमे तथा इसका कारक गुरु, तीनों पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, तीनों की स्थिति अच्छी होना चाहिए तथा वो केंद्र त्रिकोण में हो, ये देखना जरूरी है। इस तरह हम देखें कि पंचम भाव अगर शुभ प्रभाव में होगा तो संतान संबंधी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह हम कुंडली में धन भाव भी देखना चाहिए। धन भाव देखने के लिए हमें जातक की वर वधु की कुंडलियों में दूसरा भाव और ग्यारह भाव का देखना चाहिए। उनका दूसरा भाव और ग्यारह भाव तथा उनके स्वामी की स्थिति अच्छी होना चाहिए, साथ साथ में शुक्र की स्थिति भी अच्छी होना चाहिए जिससे कि जातक को धन अर्जित करने में और धन प्राप्त करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इस तरह हमने जाना कि जातक के कुंडली में सिर्फ गुण मिलान से ही काम नहीं चलता है। गुण मिलान में भी हमें जरूरी होता है कि जातक का ग्रहों में मैत्री हो, उनके भकुट दोष ना हो, उनमें ये सब देखते हुए हमें ये मालूम करना चाहिए कि जातक के गुण भी ठीक से मिलना चाहिए।
ये सब ठीक रहेगा। तो मांगलिक तो उसको का भी विचार करना चाहिए। अगर दोनों मांगलिक है तो ठीक है, अगर दोनों में से एक मांगलिक है और दूसरा नान मांगलिक है तो उनमें भी परेशानी आएगी। तो मांगलिक का विचार भी देखिए। इस तरह हमने जातक की कुंडली का विश्लेषण में देखा कि गुण मिलान किया, मांगलिक मिलान किया, कुंडली मिलान किया। कुंडली मिलान में हमने ये भी देखा कि उसका स्वास्थ्य के लिए लग्न भाव बलवान देखा, पंचम भाव बलवान होने पे आपका संतान सुख ठीक से मिलता है, तथा अष्टम भाव ठीक होने से हमें उसके आयु का पता चलता है, दोनों वर वधु का आयु का पता चलता है। दूसरा और 11वां भाव से हमने धन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करी। इस तरह हम जातक के कुंडलियों का विश्लेषण करके वर वधु का संबंध भविष्य में अच्छा रहेगा, उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, तो इन सब बिंदुओं पर विचार करके ही जातक को शादी करना चाहिए। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी से, विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली मिलवाइए और पूरी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाइए। मैं हौसीलाल चौधरी, एस्ट्रोलॉजर। मेरा वेबसाइट है hchaure.blogspot.in। मेरा जीमेल एड्रेस है hausi.chaure@gmail.com। मेरा मोबाइल नंबर 9893234239। अगर मेरे आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इस मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने परिचितों को, मित्रों को जरूर इसकी जानकारी दीजिए। धन्यवाद।